मतलब कि मूल कारण क्या है, कि किस लिए ऐसा हो रहा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी फिर भी हैरान परेशान हो रहे हैं। तो इसको हमारे शास्त्रों में है विषैले बाण, यानी कि पॉइजन एरो। ऐसी विषय वस्तुएं जो हमारे निवास के बाहर होती हैं, उनसे नेगेटिव ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो हमारे घर की ओर आती हैं और वो विध्वंसकारी घटनाओं की उत्पत्ति करती हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखें कि जो हमारे ऐसी कौन सी विषय वस्तु हैं जो विषैले बाणों को जो संज्ञक हैं, ऐसी कौन सी विषय वस्तुएं से अभिप्राय है, जैसे घर से बाहर विषैले बाणों से अभिप्राय ऐसी विषय वस्तुएं जो हमारे घर के बाहर स्थित हैं, ज्ञात और अज्ञात होती हैं, जिनका हमें मालूम नहीं होता कि वो हमारे लिए और हमारे भवन के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं जो ऋणात्मक ऊर्जा, इसको कहते हैं यिंग ची, का उत्सर्जन करती हैं, जो हमारे शारीरिक मानसिक विकास में बाधक होती हैं, परिवार के अंदर विघटनकारी तत्वों को वो उत्पन्न करती हैं, तो ऐसी विषय वस्तु को हम विषैले बाण यानी कि पॉइजन एरो की संज्ञा में देते हैं। तो ये विषय वस्तुएं देखें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपके भवन के बाहर कोई ऐसा गंदा नाला हो, आपके सड़क के पार कोई ऐसा वृक्ष हो, आपके भवन के सामने बिजली या टेलीफोन का जो खंभा है, पोल हो, कोई आपके भवन से ऊंची इमारत या कोई नुकीला जो किसी भवन का जो कोना होता है, या कोई कारखाना हो, या कोई शमशान घाट हो, या कोई मदिरालय हो, कोई संगीत शाला हो, कोई गैराज हो, इस तरह की बहुत सारी जो विषय वस्तु होती हैं जिनसे नेगेटिव ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, वो आपके घर में प्रवेश करती है, तो इस प्रक्रिया को विषैले बाण कहते हैं, इसको पॉइजन एरो, क्योंकि ये जो उन स्थानों से निकलने वाली अत्यधिक तीव्र गति से जो ये घातक नेगेटिव ऊर्जा है आपके निवास में आके एक विध्वंसक स्थिति को उत्पन्न करती है। तो लोगों का इस ओर कभी ध्यान नहीं जाता और वो हैरान परेशान होते हैं, वो सोचते हैं किसी ने कुछ तंत्र मंत्र करा दिया, किसी ने कोई टोना टोटका करा दिया, वो उसमें उलझे रहते हैं और मूल जो उसका जो तत्व है उससे वो भटकाव की स्थिति में रहते हैं। तो हमारे शास्त्र में, वास्तु विज्ञान के अंदर और फेंग शुई में इन वस्तुओं को जो नेगेटिव ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, इनको विषैले बाण की संज्ञा दी है। जी जी बिल्कुल पंडित जी, इसका वास्तु और फेंग शुई में क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है? देखिए, जैसे आपके घर के बाहर कोई गंदा नाला है, तो गंदे नाले से निकलने वाली जो ऋणात्मक ऊर्जा है वो घर में प्रवेश करेगी। आपका घर भले ही वास्तु के अनुकूल बना हो, आपकी ग्रह दशाएं भी बिल्कुल शुद्ध ग्रह की चल रही हो, बिल्कुल लाभकारी जो आपके ग्रह हैं, भाग्य उन्नति कारक जो ग्रह हैं, उनसे आप निकल रहे हैं, फिर भी आप हैरान परेशान हैं, तो उनसे निकलने वाली जो ऋणात्मक ऊर्जा है, ऐसी विषय वस्तु से नाला हो गया, या घर के मुख्य द्वार के बाहर कोई बिजली का खंभा हो गया, टेलीफोन का पोल हो गया, बड़ा कोई जैसे पीपल का या बरगद का जो वृक्ष हो गया, कोई ऊंची इमारत हो गई, आपके जो घर है वो टी पॉइंट पर है, यानी कि वहां पे आके आपकी गली बंद हो रही है, ऐसी जो स्थिति है, तो बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा, जो बहुत शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो घर में सीधे प्रवेश कर जाती है और वहां से वो तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की विघटनकारी विनाशक स्थितियों को वो उत्पन्न करती है। जी पंडित जी, और कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विषैले बाण की संज्ञा दी गई है? जी, जैसे आपके भवन के बाहर दीवारों पर आपने देखा होगा पौधे उग जाते हैं, पीपल के पौधे उग जाते हैं, किसी वृक्ष के पौधे उग जाते हैं, तो ये भी विषैले बाणों के संज्ञक हैं। घर के बाहर कोई आपका टूटी हुई बिल्डिंग है, खंडर है, ये भी विषैले, कोई मोटर गैराज है, या कोई जुआ घर है, या कोई मदिरालय है, तो ऐसी जो नकारात्मक ऊर्जा के जो केंद्र होते हैं, उनसे निकलने वाली जो ऊर्जा होते हैं वो घर में प्रवेश करती है, तो ऐसी बहुत सारी विषय वस्तुएं हैं जो नेगेटिव ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। जी पंडित जी, क्या कुछ दिक्कतों का सामना, अगर इस तरह के विषैले बाण होते हैं घर के आसपास, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? ऐसे घरों में हमेशा जो परिवार के जो सदस्य हैं उनमें वैमनस बना रहता है जी। रोग रहते हैं, बच्चे हैरान परेशान रहते हैं, पति पत्नी के रिलेशन खराब होते हैं, बच्चों में आपस में जो सौहार्द है वो खत्म हो जाता है और उनमें परस्पर द्वेष बना रहता है, ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती हैं, नुकसान होता है, चोरी की घटनाएं होती हैं जो
ऐसे तत्वों की उत्पत्ति करते हैं। बिल्कुल। और पंडित जी, कई बार ऐसा भी होता है कि बीमारी नहीं होती है कोई भी, उसके बावजूद भी बीमार रहते हैं, जब जांच कराते हैं तो किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं निकलती जी, है जी, इस तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है जी। ऐसे भी होते हैं, जैसे घर के बाहर आपके कोई पीपल का पेड़ है, या किसी मंदिर की बैक आपके घर के सामने, किसी मस्जिद की बैक आपके घर के सामने है, कोई मकबरा मजार आपके घर के सामने, कोई समाधि आपके घर के सामने है, तो ऐसी जो वस्तुएं हैं, ऐसे स्थान से अत्यधिक विषैली नकारात्मक ऊर्जा वो रोगों की उत्पत्ति का कारक होती है, हानिकारक होती है। और कभी कभी क्या होता है कि फेंग शुई में इसको बोलते हैं शा, यानी कि एक तरह की जो मृत शक्ति है जिसको हम परालौकिक मृत शक्ति भी कहते हैं, ऐसी वहां पे उसका धनात्मक प्रभाव बढ़ जाता है, वो उसमें केंद्रीय भूत हो जाती है और वो जल्दी से निकलती नहीं है। तो ऐसी उसमें बोलते हैं कि साहब यहाँ भूत प्रेत का वास हो गया, किसी ने कोई भयंकर जादू टोना करा दिया है, कोई गुप्त शत्रु लगा हुआ है, तो वो मुख्य जो चीज होती है वो आपकी नेगेटिव ऊर्जा जो वहां पे स्थिर हो गई है, तो ऐसी स्थिति में ये उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल पंडित जी, इसके उपाय भी आपसे जानेंगे। इस वक्त दीपिका मेरठ से हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी। दीपिका, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, ये जानना चाहती हूँ कि मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, बहुत क्लेश होता है, शांति नहीं मिल पाती है घर पे, जब भी घर पे और ये सब का रोज रोज का तनाव होने लगता है, क्या करे कि तनाव कम हो, क्लेश कम हो, खत्म हो जाए इस तरह से जी। तो दीपिका जी, देखें कि आपके घर में वास्तु भी ठीक है, सब ठीक है, उसके बाद देखें कि घर के बाहर कोई ऐसी विषय वस्तु तो नहीं है कि जहां से पॉइजन एरो यानी कि विषैले बाणों की उत्पत्ति हो रही हो, आपके घर की ओर आ रहे हो, तो उसके निदान के भी हम उपाय बताएंगे। उसमें बहुत सारे उपाय हैं, जैसे पाकुआ एक यंत्र होता है घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा के लिए, बागुआ के अंदर होता है, बहुत सारे सेलेस्टिक पौधे भी होते हैं जो हम घर से बाहर रख सकते हैं, विंड चाइम्स होती हैं जिनको पवन घंटियां कहते हैं, तो ऐसी विषय वस्तुओं का भी हम वर्णन करेंगे, इसका आप उपयोग करके अपने घर को बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, मानवी, बहुत बहुत स्वागत है मानवी आपका इस कार्यक्रम में। जी मैं मानवी बोल रही हूँ लखनऊ से। जी जी, मुझे पूछना है कि घर में मेरे ब्रदर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, मतलब जल्दी जल्दी वो बीमार पड़ता रहता है, तो किस तरह के उपाय करने चाहिए? देखिए मानवी जी, पहले देखें कि घर के बाहर कोई विषैले बाणों का उत्सर्जन करने वाला कोई स्थान तो नहीं है, कि सबसे पहले कि कोई पोल हो आपके घर या बाहर में नाला हो, तो ऐसे उसका कारण होता है कि वो बाहर से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा भवन पे वो हावी हो जाती है, तो रोग की उत्पत्ति कारक होती है। तो उसके लिए आप घर में, आप जो भवन है आप उसके बाहर एक पाकुआ एक दर्पण होता है उसको लगा सकते हैं, उसमें एक परावर्तित लेंस दर्पण होता है जो बाहर से आने वाले विषैले बाणों का पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देता है, जहां से वो नेगेटिव ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है वहीं पे वो वापस भेज देता है उसको। और भाई के कमरे में आप विंड चाइम्स हैं, क्रिस्टल बॉल्स हैं उसको आप लगा सकती हैं, पैरामिड्स भी हैं जो उनको आप लगा सकते हैं, तो इसमें हम आगे अभी वर्णन करेंगे कि उनको आप किस किस प्रकार लगाएं और कहाँ लगाएं और कैसे हम विषैले बाणों का अवरोध कर सकते हैं, हम कैसे उनको रोक सकते हैं जी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मानवी हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, उपाय आपसे जानना चाहेंगे, विषैले बाणों से बचने के क्या कुछ उपाय करने चाहिए? जी, विषैले बाणों से जो सबसे पहले हमारे यहाँ आता है कि बाहर से आने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको यीन ची के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको हम बाहर की भारी रोक दें, और संभवतः ऐसा कोई हम उसको प्रावधान करें कि वो जहां से उस नेगेटिव ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ वो वापस वहीं चली जाए। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में जो वास्तु विज्ञान में एक सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का एक चक्र होता है, तो उसका एक यंत्र निर्माण है, सुदर्शन यंत्र भी इसको बोलते हैं, तो उसको बाहर लगाने से वो भी बाहर से आने वाली लगभग लगभग प्रत्येक नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको वो नष्ट कर देती है। तो उसी का जो फेंग शुई में आधार लेके पाकुआ और बागुआ का निर्माण हुआ है। तो पाकुआ और बागुआ में क्या होता है, पाकुआ क्या होता है, इसमें चार दिशाएं और उनके जो चार कोण होते हैं अष्टकोण का एक यंत्र बनाते हैं उसमें, और उसमें प्रत्येक दिशा में टाइग्राम होते हैं, रेखांकित मोटी और पतली उसमें लाइनें होती हैं भिन्न भिन्न आकृतियों की, इसकी एक निर्धारित एक सीमा होती है,
और उसके अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं उनकी सीमाओं के अनुकूल। और मध्य में एक पूर्ण परावर्तित दर्पण होता है जो बाहर से आने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा यानी कि विषैले बाण जिसको पॉइजन एरोस के नाम से भी जानते हैं उसको वो वहीं पे वापस भेज देता है जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो सबसे बड़ा एक अभिप्राय हो गया कि हम इसको वहीं पे वापस भेज दें। अब अगर यदि आपके घर में कुछ ऋणात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाए यानी कि बच जाए कुछ प्रवेश कर जाए किसी भी कारण से तो उसके लिए बागुआ जो हम लोग इन साइड लगाते हैं घर के अंदर की तरफ, बागुआ कभी मुख्य द्वार पे नहीं लगाते, पाकुआ हमेशा बाहर लगाते हैं, बागुआ को घर के अंदर लगाते हैं। तो बागुआ के मध्य में एक यिन यांग एक चिन्ह होता है जो ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा का जो संतुलित करने का एक प्रतीक होता है, जो एक दो मछलियों के आकार का सफेद और काली दो मछलियां जैसी होती हैं विपरीत दिशा में, उसको ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा का प्रतीक वो इस ट्राइग्राम जो अष्ट भेदक जो ये एक यंत्र है जो पाकुआ उसके मध्य में जो यिन यांग या गणपति होते हैं या स्वास्तिक या ओम की भी इसमें प्रतीक लगाते हैं इसको बागुआ बोलते हैं, घर के अंदर लगाते हैं। जैसे आपका शौचालय है वहां से भी नेगेटिव ऊर्जा का उत्सर्जन होता है इसको टॉयलेट के बाहर लगाते हैं, या आपका जो स्टोर है जिसमें आप टूटा फूटा कूड़ा कबाड़ है बहुत सारी अनचाही वस्तुएं आप रखते हैं तो ये भी नेगेटिव ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं तो वहां पे बागुआ लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त द्वार पे आप क्रिस्टल बॉल्स हैं तो क्रिस्टल बॉल्स भी आप लगा सकते हैं। तो मुख्य जो मेन वस्तुएं हैं जिसको हम रोकने के लिए पाकुआ और बागुआ। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? इंटरेस्टिंग। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए यादें शहर की दिल में बस जाए, दिल बस यही दोहराए नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इलायची खजूर मिश्री वाह सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता है ना। रहो हमेशा पास पास शीशा हो या रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंडित जी इस वक्त हमारे साथ दिव्या लखनऊ से दर्शक जुड़ गए हैं। दिव्या बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, मुझे ये पूछना है कि मेरे घर में बहुत क्लेश होते रहते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती रहती है। मैंने अपने घर का नक्शा वगैरह भी वास्तु बहुत दिखाया लेकिन कुछ मतलब खास फर्क नहीं पड़ा है जी।
पंडित जी, तो हो सकता है संभवतः इनके जो घर के बाहर ऐसी विषय वस्तु है जहाँ से विषैले बाणों की उत्पत्ति हो रही है, तो इनको अपने घर के बाहर की साइड में पाकुआ दर्पण लगाना चाहिए। घर में इनका जो शौचालय है या जो भंडार घर है वहाँ पे ये बागुआ लगा सकते हैं, तो उससे भी किसी हद तक ये समस्याओं से निजात पा सकती हैं। दूसरा द्वार